जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने हरमाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। आरोपियों ने रिहायशी मकान में ही विस्फोटक पदार्थ का गोदाम बना रखा था। पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ कर अन्य जानकारियां जुटा रही है। टीम ने 82 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 2095 जिलेटिन की छड़ों, 3,250 मीटर फ्यूज वायर, 1,600 डिटोनेटर बरामद किए हैं। आरोपी पूर्व में साथ मिलकर अवैध विस्फोटक पदार्थों की खरीद फरोख्त करते थे और 2 साल से अपना अलग अवैध व्यापार कर रहे हैं। आरोपी अवैध विस्फोटक पदार्थ नीम का थाना निवासी जगदीश सिंह द्वारा भेजना बताया है। आरोपी स्वयं भी पत्थर की खानों में अवैध ब्लास्टिंग करते हैं, जो जयपुर ग्रामीण एवं जयपुर शहर के आसपास की स्थित पत्थर की खानों में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ की सप्लाई करने का नेटवर्क बना रखा था। आरोपी विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट के 50 किलोग्राम के कट्टे को 7,300 रुपए में खरीद कर जयपुर में 14,000 से 15,000 रुपए में प्रति कट्टे के हिसाब से बेचना बताया। इसी प्रकार अन्य विस्फोटक पदार्थों पर भी लगभग 30% मुनाफा कमाकर बेचान कर रहे थे। विस्फोटक पदार्थ को राज्य सरकार द्वारा जारी लाइसेंस शुदा मैगजीन में ही रखा जा सकता है, लेकिन इनके द्वारा अपने रिहायशी मकान में ही भंडारण किया गया हुआ था।